सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को कोसी लोक मंच लगातार कार्यक्रम कर लोगों को कर रही है जागरूक। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भारत सरकार की ओर से नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत के बाद पिछले दिनों जिला प्रशासन ने कोसी लोक मंच के सहयोग से किया रैलियों व शपथ ग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए गुरुवार को कोसी लोक मंच के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार सहरसा के कार्यालय में बाल विवाह मुक्त भारत बनाने को लेकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने शिरकत कर बाल विवाह मुक्त भारत बनाने को लेकर शपथ ग्रहण किया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहरसा के सचिव अभिमन्यु कुमार, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के कमलेश्वरी प्रसाद, चंदन कुमार, अधिवक्ता आदित्य ठाकुर, अधिवक्ता डॉक्टर रामजी बाबू, चंद्रनारायण जायसवाल, विकास चंद्र राय साहित पारा विधिक स्वयं सेवक मौजूद थे। वहीं कोसी लोक मंच से सचिव गुरुन महतो, श्याम रथ कुमार, राजेश कुमार मल्लिक, सुनील कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेके आज किस तरह से न्यायालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसका क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य यह है कि सभी लोगों में यह जागरूकता फैलाए कि बाल विवाह जो है समाज के बुराई है और इसमें हम किसी भी तरह से हम सहयोग ना करें और बाल विवाह रोकने में हम सभी का प्रयास रहना चाहिए और समाज में यह सूचना जाए या सूचना जाए कि बाल विवाह एक जो है समाज की बुराई है और हम सब इसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ताकि यह बुराई जो है हमारे समाज से निकल सके। यही हमारा मुख्य यह कार्यक्रम करने का उद्देश्य था।